उसको आगे लेके चलते हैं। कल हमने जो चीज़ शुरू की थी मैं उसी को आगे लेके चल रहा हूँ, वाइंड अप करूँगा। हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात की थी और उसमें वी टॉक्ड अबाउट क्या क्वांटिटी ऑफ लेबर आउटपुट एमपी एनएपी बनाया था हमने इस तरीके से एमपी और एपी। एक सेकंड वेट करेगा प्लीज इसको जी। कुछ इस तरीके से सिमिलरली हमने कहा था कि एमपी एपी रिलेशनशिप उन्होंने पढ़ लिया था इनिशियली ए पी राइज क्यों करता है फिर ए पी फॉल क्यों करता है एंड वेयर वुड ए पी बी एट एंड व्हेन वुड बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए पी। ठीक है, मुझे एक बार फिर से क्लियर करना, समझ में आ रही सारी चीज़ें ये और ओके यहाँ तक सबको समझ में आ गई है तो ओके लिख के भेज दें हम आगे बात कर रहे हैं। यहाँ तक जो डिस्कशन है एम पी और ए पी की ये क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें टोटल प्रोडक्ट देखना है और फिर हम लॉन्ग रन की तरफ जाएंगे। बाकी हो सकता है कि सैटरडे को एक क्लास रखें, मैं उसके बारे में बता दूंगा। सैटरडे को ऑब्वियसली क्लास होगी तो फिजिकल होगी, ठीक है, उसके बारे में मैं आज कॉलेज से पूछ के कंफर्म कर दूँगा। बाकी यहाँ तक का बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मुझे ये बताएगा कि बाकी जो लोग हैं हमारे पास, हसन सुन रहे हो यार जी, इसके बाद ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ये मैं समझ लो आखिरी बार कर रहा हूँ, इसलिए जो भी इशूज़ हैं मुझे पूछ लेना। कल हमने क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हमें सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ना है, हमें बात करनी है टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट को हमने डिफाइन भी कर लिया, टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट का जो कर्व है वो हमें देखना है, वो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर ओरिजिन आउटपुट टोटल प्रोडक्ट का जो कर्व है वो इस तरीके से, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हम बोलते हैं कि यार इनिशियली कहते हैं इनिशियली टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक तकरीबन पढ़ लें इसको